कल फिजिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा हुई। डू यू नो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो तीन नोबेल लॉरेट फिजिक्स के लिए चुने गए हैं उनमें से दो, क्लाउस हसलमैन और सुको सियोकोरियो मानाबे, ये दोनों का फील्ड ऑफ स्टडी फिजिक्स नहीं था, इनका फील्ड ऑफ स्टडी क्लाइमेट था। ये पूरे टाइम क्लाइमेट वेदर इनके मॉडलिंग पे ही काम किए हैं। सिर्फ एक जॉर्जियो पारिसी जो इटालियन है वो थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिन्होंने वो मॉडल बनाया था जिसके बेसिस पे काम हुआ है। सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट कई लोग इस बार के नोबेल फिजिक्स के नोबेल प्राइज को पॉलिटिकल भी बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट को पुश करने के चक्कर में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दे दिया गया है, क्योंकि तीन में से दो का फील्ड ही फिजिक्स नहीं था। तो फिजिसिस्ट लोग भी काफी इस बारे में डिसअपॉइंटेड हैं कि हम जीवन भर फिजिक्स किए और नोबेल प्राइज जब देने का वक्त आया तो फिजिक्स की बजाय किसी और फील्ड में दे दिया। क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस टाइम।